नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए सबसे पहले रुख करते हैं दुमका की ओर। 10 व्याख्याता को एसोसिएट प्रोफेसर में मिली प्रोन्नति। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के 10 सिलेक्शन ग्रेड व्याख्याता को जेपीएससी के अनुशंसा के बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बुधवार को इस आशय से संबंधित अधिसूचना SKMU के कुल सचिव डॉक्टर ध्रुव नारायण सिंह के स्तर से जारी कर दी गई है। अब इस सभी व्याख्याताओं के प्रोन्नति से संबंधित अधिसूचना HRD भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति के बाद उन्हें वेतन में बढ़ोतरी के लाभ मिलने लगेगा। मैदान में खेल कूद के बदले लगता है हाट बाजार। खबर दुमका के मसलिया प्रखंड से है। मसलिया प्रखंड मुख्यालय के करीब स्थित खेल मैदान में खेल कूद की गतिविधियों कम और साप्ताहिक हाट बाजार ज्यादा लगता है। इसी मैदान में सप्ताह दो दिन हटिया लगने से खेलकूद की गतिविधियां नहीं के बराबर होती है, क्योंकि मैदान खेलने लायक नहीं रह गया है। हाट लगने से मैदान में काफी गंदगी जमा हो गई है। गंदगी कारण न तो खिलाड़ी यहां खेल पाते हैं और न ही आम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक कर पा रहे हैं। महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरंडी ने कहा, सरना धर्म कोड पारित होना हमारी पहली जीत। विधानसभा में सरना आदिवासी धर्म कोड पारित होने पर बुधवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने मांझी थान में पूजा की और रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। बिल पारित होने पर मांझी थान में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरांडी, जमा विधायक सीता सोरेन व शिकारीपाड़ा विधायक ननील सोरेन पूजा अर्चना की। यहां पर सभी का आदिवासी युवतियों ने लोटा पानी से सभी का स्वागत किया। इसके बाद शहर में रैली निकाली गई। खबर अब जामताड़ा से। गुलाब के फूलों से महकेगी किसानों के उद्यान। अब बाजार में साल भर गेंदा, गुलाब, बेली, चमेली आदि फूलों की मांग रहती है। त्योहार, प्रतिष्ठान और घरों की सजावट करनी हो या फिर वैवाहिक कार्यक्रम हो, बिना फूलों के पूरे नहीं होते हैं। ऐसे में गेंदा, गुलाब, बेली आदि फूलों की खेती करना जिले के किसानों के लिए काफी लाभकारी होगा। आमदनी के प्रमुख स्रोत से बनने के लिए किसानों को उद्यान विभाग फूलों की खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। कोविड वैक्सीन को सुरक्षित रखने की बनी रणनीति। जामताड़ा जिला में मौजूदा कोल्ड स्टोरेज को और उसके उपकरण की तुरंत मरम्मत कराएं। जो कमियां हैं उसे दुरुस्त कराएं। जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है वैसे स्थानों में बिजली कनेक्शन जल्द करवाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश बुधवार को अपने सभा कक्ष में जिला टास्क फोर्स की बैठक करते हुए उपायुक्त फैज हक अहमद मुमताज ने सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का को दिया। फसल आच्छादन में पशु प्रबंधन बन रहा बाधक। जिले में रबी फसल से जुड़े किसानों को समक्ष पशु प्रबंधन बाधक बन रहा है। कृषि विभाग आर्थिक रूप से किसानों को सहयोग कर रहा है। किसान भी बेहतर खेती करने को इच्छुक हैं, लेकिन पशु प्रबंधन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण किसानों को उम्मीद पूरी नहीं होती है। खबर साहेबगंज से। मिर्जा चौकी के लोगों को प्रदूषण से दिलाए मुक्ति। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा ने बुधवार को उपायुक्त रामनिवास यादव से मुलाकात कर मिर्जा चौकी के लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 1 दिसंबर को कांग्रेस की आम सभा मिर्जा चौकी के महादेव वरण गांव में हुई थी। इसे सैकड़ों लोग पहुंचे थे। सभी ने अपनी अपनी समस्या रखी और सरकार से इसका समाधान कराने का अनुरोध किया। जल्द करें शहर की सड़कों की मरम्मत। साहिबगंज शहर के क्षतिग्रस्त स्ट्रक्चर व सड़कों की मरम्मत का कार्य संबंधी एजेंसी जल्द करे। ये बातें उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के प्रकोष्ठ में नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक में कही। खबर अब गोड्डा से। विधायक के पत्र पर बिजली विभाग ने नहीं ली कुछ भी सुध। गोड्डा विधायक अमित मंडल के गृह पंचायत कोरका घाट के गाँव लटल पकड़िया में बीते 5 माह से ट्रांसफार्मर जला हुआ है, लेकिन विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा है। जिले के पथरगवा प्रखंड अंतर्गत कोरका घाट पंचायत के लटल पकड़िया में बीते 5 माह से ग्रामीण अंधेरे में है। यहां के लोग सोलर संयंत्र से अपने मोबाइल चार्ज करते हैं। ग्रामीण राजाराम यादव ने बताया कि गांव में 25 KV का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है। विधायक की ओर से बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को इसके पत्र लिख गया था, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने कोई भी सुध नहीं लिया है।
मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में शराब जब्त। गोड्डा के पोड़ियाहाट थाना क्षेत्र के हरियाली जंगल में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब, स्प्रिट, ब्लेंडेड वाइन, माल्ट, कलर, सीसी, रैपर, ढक्कन तथा चमिंग मशीन आदि बरामद किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित उत्पाद डिपो में इसकी जानकारी दी। उत्पाद अधीक्षक सिंह ने बताया कि हरियाली जंगल में मिनी शराब फैक्ट्री से संचालन की सूचना काफी दिनों से मिल रही थी। कई बार इसको लेकर छापेमारी भी की गई, लेकिन धंधेबाजों की ओर से छापेमारी दल के आने की सूचना के बाद ही जंगल में सभी सामानों को छिपा दिया जाता था। लाभुकों को नहीं मिल रहा आवास योजना का लाभ। जिले के पथरगामा प्रखंड की लतौना पंचायत के बोहराना गांव की अनिता देवी पति सुरेंद्र यादव ने डीसी भोर सिंह यादव को पत्र लिखकर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है। अनिता देवी का कहना है कि प्रखंड के सामाजिक आर्थिक सर्वे में उनका नाम नहीं जोड़ा गया है, जबकि वे अत्यंत गरीब है, गृहविहीन है, एक फूस की झोपड़ी में किसी तरह अपने दो बच्चों सहित पति के साथ रहती है। बरसात के दिनों में पूरा घर कीचड़मय रहता है। खबर अब देवघर से। आरके मिशन के 3 छात्रों को आज मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित। देवघर के आरके मिशन विद्यापीठ के 3 छात्रों को CBSE 10वीं की परीक्षा में उम्दा प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज छात्रों को सम्मानित करेंगे। जिन छात्रों को सम्मानित किया जाएगा उनमें प्रभात रंजन, विजय प्रकाश व अंकित कुमार शामिल है। 99% के साथ प्रभात रंजन ने स्टेट टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। 98.80% के साथ विजय प्रकाश राज्य में तीसरे तथा 98.60% के साथ अंकित कुमार चौथे स्थान पर हैं। युवाओं को योग्यता के अनुसार मिलेगा रोजगार। उपायुक्त मंजूनाथ भतंजलि ने कहा कि देवघर के युवाओं को उनकी योग्यता व इच्छा के मुताबिक कौशल विकास कर इस लायक बनाया जाए कि एम्स, एयरपोर्ट, प्लास्टिक पार्क जैसे प्रोजेक्ट में रोजगार मिल सके। जिला कौशल विकास कमेटी रोजगार सीजन की दिशा में ठोस पहल करे ताकि यहाँ के युवाओं को हुनरमंद बनाकर उसकी रोजगारी दूर करे। खबर पाकुड़ से। बरबट्टी की कम उपज से पहाड़िया परेशान। लिट्टी पड़ा व अमड़ा पड़ा के पहाड़ों पर इस बार बरबट्टी की उपज अच्छी नहीं हुई है। इससे पहाड़ों पर निवासी करने वाले लोग काफी परेशान है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए बरबट्टी रोजगार का मुख्य साधन है। इसी को लेकर अपने परिवार को गुजर बसर करते हैं। वर्षापात कम होने के कारण खेती अच्छी नहीं हो पाई है, जिससे पहाड़िया लोग चिंतित हैं। अलकतरा भरा ड्रम फटने से 2 युवक समेत 6 बच्चों की जख्मी। खबर पाकुड़ के महेशपुर अमड़ापाड़ा सीमा पर स्थित छोटा कोलकीपाड़ा गांव में बुधवार की सुबह गर्म करने के दौरान अलकतरा भरा ड्रम फट गया। इस हादसे में गांव के 2 युवक समेत 6 बच्चे जख्मी हो गए। सभी को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमड़ापाड़ा ले जाया गया। थाना प्रभारी अमड़ापाड़ा मनोज कुमार अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वजनों से घटना की जानकारी ली। डॉक्टर शालिनी कुमार व प्रमोद कुमार ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर रूप से जख्मी मनोज, मुनिता और कंचन को दुमका रेफर कर दिया गया। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।